वेलकम बैक टू इकबाल का पाकिस्तान। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन लोग, कैसे वो लोग हैं, वो कौन लोग, कौन कैटेगरीज हैं जो कि हम लोगों की मुखालफत कर रही हैं। और जैसा कि आज मैंने और रकीम साहब ने आपको बराह रास्त थ्रेटन भी कर दिया कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, आई मीन ऑब्वियसली वी आर नॉट जॉर्ज बुश, बट वी गोना ट्राई टू यू नो मेक एन इम्पैक्ट। आज हम इसरार खुदी पे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे एंड वी वर होपिंग कि वो थोड़ी सी उसके ऊपर और लाइट डाली जाए ऑडियंस। बात यही है कि जो कुछ हम चेंज लाना चाहते हैं या कोई इंसान अपने वजूद में या अपने आसपास तब्दीली लाना चाहता है, उसके लिए उससे पहले उसको अपने वजूद में तब्दीली लानी हो। सदाकत के लिए मरने की जिसमें तड़प, जिस दिल में तड़प, पहले अपने पैकर खाकी में जान पैदा करें, अपने आप को जाने तो सही इंसान। तो इकबाल की भी अगर आप द इंटायर डॉक्ट्रिन ऑफ इकबाल अगर आप उसको सामने रखो तो ये बात हम तफसील से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहली किताब ही असरार खुदी लिखी, सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ, अपने आप को जानो। इसके बाद की किताब जो है जिसको हम डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्रामों में इंशाल्लाह, रमूज़ बेखुदी है, जिसको अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो वो एक कलेक्टिव डॉक्ट्रिन है कि पूरा माशरा, एक पूरी तहजीब, एक पूरी सोसाइटी किस तरह अपने आप को रिवाइव करती है और उरूज पे जाती है। ये दो डॉक्यूमेंट्स बेंचमार्क है। जब तक इन डॉक्यूमेंट्स को आप नहीं समझोगे, ना इकबाल समझोगे, ना इकबाल का पाकिस्तान बना सकेंगे आप, ना इकबाल के पाकिस्तानी बना सकेंगे आप, ना वो मॉडरेट मुसलमान बनाएंगे कि जो पूरी दुनिया को तस्खीर करने की ताकत रखते हैं। तो इकबाल के इस तसव्वुर को जो खुदी की बात वो करते हैं, क्योंकि किताब भी खुदी है, फोकस भी खुदी है, मकसद भी खुदी है, और इंसान के अपने अंदर रिवाइवल, उस इनकलाब को बर्पा करना है जो एक इंसान के वजूद में है। तो देखिए इस पर हम कुछ अशार जो है, और पूरा एक डॉक्ट्रिन है, पूरी फिलोसफी है कि जो इकबाल माशरे का तजिया भी करते हैं, नौजवानों का करते हैं, उलमा का करते हैं, माशरे की बीमारियों को देखते हैं और हर एक का इलाज खुदी की रोशनी में देते हैं। कहते हैं कि खुदी के बारे में, नुक्ता नूरे के नाम है वो खुदी अस्त, नूर का एक नुक्ता जिसका नाम खुदी है। अब इसको हम जेर खाक इमा शरार जिंदगी अस्त, अब ये बड़ी हैरत अंगेज शेर है उनका। वो कहते हैं नूर का एक नुक्ता है जिसका नाम खुदी है, मेरे इस जिस्म के अंदर, मेरी इस मट्टी के अंदर वो एक चिंगारी छुपी हुई है। नाउ दिस इज द मोस्ट फैसिनेटिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट खुदी इज। मेरे वजूद के अंदर एक नूर का नुक्ता है, एक चिंगारी है जो छुपी हुई है। अब देखिए आम तौर पे इंसानों के जहन में एक तसव्वुर ये होता है कि इंसान और उसका जिस्म, एक रूह, ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं, जिस्म है और इसकी रूह है। इकबाल एक हैरत अंगेज तसव्वुर यहां पर देते हैं कि इंसान के वजूद में रूह के अलावा भी एक तीसरी ताकत मौजूद है और इसको वो खुद ही कहते हैं। मिसाल के तौर पर इकबाल, इतना इकबाल का एक शेर सुनिएगा और फिर जरा इस पर गौर कीजिए। अगर ना हो उलझन तो खोल के कह दूं, क्योंकि उलझन हो जाती है ना, हर इंसान ही समझता है कि जिस्म है और एक रूह है और तीसरी कोई डायमेंशन नहीं है। अगर ना हो उलझन तो खोल के कह दूं, वजूद हजरत इंसान ना रूह है ना बदन, वजूद हजरत इंसान ना रूह है ना बदन। इकबाल के वजूद, इकबाल के मुताबिक जो इंसान के वजूद में एक तीसरी, एक सुपीरियर फोर्स है जिसको वो खुद ही कहते हैं कि नूर का एक टुकड़ा है, नूर का एक चिंगारी है जो इंसान की खाक के अंदर पैवस्ता है। ये वो चिंगारी है कि जो इंसान को उसकी तखलीक करने, जाहरी तौर पे जिस्म की तखलीक करने से पहले, फनफख्त फी है मिन रूही, जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मैंने उसके अंदर अपनी रूह फूकी, उस तसव्वुर से पहले इस इंसान में अल्लाह ताला ने वो इमानत बख्शी, वो चिंगारी बख्शी, वो ताकत बख्शी कि जिसकी बुनियाद पर इंसान अल्लाह ताला का खलीफा बनता है, जिसकी बुनियाद पर इंसान को इख्तियार और ताकत दिया जाता है कि अल्लाह ताला की डिवाइन फोर्सेस अपने अंदर इस्तेमाल करके इस पूरी कायनात में वो तब्दीली ला सके जो अल्लाह के खलीफा को ज़ेब देती है। अल्लाह का खलीफा होना कोई छोटा स्टेटस नहीं है, बहुत बड़ा स्टेटस है, और हर इंसान, हर मुसलमान, बल्कि हर इंसान को ये मौका दिया गया है कि वो अल्लाह का खलीफा हो। उस खिलाफत के अपने आप को काबिल बनाना, कि जब आप अल्लाह ताला की उस खिलाफत के काबिल हो जाते हो तो अल्लाह ताला अपनी अथॉरिटी, अपनी फोर्सेस, अपनी ताकत आपको देता है। आप कहारी, गफारी, कुदूसी, जुबरूत हो जाते हो। आपकी मर्जी से, आपकी निगाह मर्द मोमिन से फिर तकदीरें बदलती हैं। फिर खुदा आपसे पूछता है कि आप बता तेरी रजा क्या है, फिर ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम आपके होते हैं। देखिए ये सारी फोर्सेज इकबाल जब डिफाइन करते हैं कि अपने वजूद में अपनी खुदी को तलाश करो कि वो चिंगारी जो तुम्हारे वजूद में है, अगर तुम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सके, फिर अगर तुम दुनिया में कोई तब्दीली लाना चाहते हो, इट इज नॉट पॉसिबल, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, पॉसिबल नहीं है। रिवाइव करो अपने आप को पहले। और हमारी मिल्लत का, उम्मत का अलमिया यही है कि हर शख्स हर काम करना चाहता है बगैर अपने आप को जाने, बगैर उन फोर्सेस को इस्तेमाल किए जो अल्लाह के खलीफा होने की हैसियत से आपको और मुझे और हर शख्स को दी गई है। एंड देन ही सेज
कि हस्ती का पैकर खुदी के आसार से, तू जो कुछ देखता है खुदी ही के असरार से। तुम्हें जो कुछ इंसान देखिए, एक बात हम आपको बताएं, एक सिंपल सी मिसाल है, टेलीविजन देखते हैं आप, एक टेलीविजन की मिसाल से इंसान की रियलिटी बड़ी खूबसूरत समझ में आ जाती है। टेलीविजन की एक बॉडी है, एक जिस्म है टेलीविजन का, उस टेलीविजन को ऑन करने के लिए 220 वोल्ट का करंट आप पीछे से देते हैं, आप प्लग इन करते हैं, लेकिन प्लग करके आप टेलीविजन को ऑन भी कर दें तो उस पर स्क्रीन पर कुछ नहीं आता जब तक के केबल कनेक्शन ना लगा हुआ हो पीछे से। अब यहां पर दो सॉफ्टवेयर सिग्नल्स हैं, एक 220 वोल्ट का करंट आ रहा है और एक उसकी केबल से जो सिग्नल आ रहा है, और बाकी उसका जिस्म है, बॉडी है। इसी तरह इंसान के जिस्म में एक जिस्म है इंसान का, इसको जिंदा करने के लिए जो करंट है वो 220 वोल्ट का सिग्नल है जिसको रूह कहते हैं, और इंसान के अंदर जो नजर आएगा, जो कुछ जाहिर हो रहा है वो केबल है, वो कनेक्शन है, वो केबल है जो चैनल चल रहा है उसके ऊपर। कभी इब्लीस का चैनल चलता है, कभी शैतान का चलता है, कभी उसके ऊपर अल्लाह के वली का चैनल चलता है। आप चैनल स्विच करते जाते हैं ना, टेलीविजन वही रहता है, 220 वोल्ट का सिग्नल वही रहता है, लेकिन उस टेलीविजन पे चैनल चेंज हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है चैनल। और ये वो वक्त इंसान के अंदर जब नफ्स एक्टिवेट होता है, जब इंसान अपने नफ्स के तहत, उसकी अकल को नफ्स से एनर्जी मिलती है, वो शैतान से सोर्सेज और एनर्जीज लेना शुरू करता है, तो इसी जिस्म पे इसी रूह के साथ इंसान इब्लीस बन जाता है, शैतान बन जाता है। और जब इंसान अपने अंदर कल्ब को एक्टिवेट करता है, उसकी एनर्जी सोर्सेज को, उसकी मेंटल फैकल्टीज को, उसके वजूद की फैकल्टीज को कल्ब से एनर्जी मिलना शुरू होती है, तो इसी जिस्म में इसी रूह के साथ इंसान अल्लाह का वली बन जाता है। अब समझना आसान हो जाएगा बिल्कुल, कि इंसान अपने वजूद में उस थर्ड डायमेंशन को अगर ना उलझन तो खोल के कह दें, वजूद है हजरत इंसान, न रूह है न बदन, न टेलीविजन असलियत है, न 220 वोल्ट का सिग्नल असलियत है, जो टीवी पर नजर आ रहा है वो क्या है, जो केबल से आ रहा है। यानी इंसान के वजूद में जो कल्ब है, जो अल्लाह ताला के नूर से रिसीव करता है, और जो नफ्स है जो शैतान से रिसीव करता है, जिसको डोमिनेट करोगे वो बन जाओगे तुम। एक कॉल लेते हैं, बड़े एक डेस्परेट कॉलर है हमारे साथ। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी डॉक्टर तकी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। जैद अहमद साहब आपकी बात, प्लीज जो आप सवाल करना चाहते हैं। जी जैद साहब, मैं आपसे ये एक दो बातें करना चाहूंगा। एक तो मैं कहना चाहूंगा कि 60 साल हो गए माशाल्लाह, इस तकरीबन 70 होने लगे इस मुल्क को बने हुए, जिस बंदे ने, जिस हस्ती ने इसकी आइडियोलॉजी दी थी जिसपे हम शो चला रहे हैं, मैं आपको चाहूंगा आप इस पे कमेंट करें कि 60 साल में क्या हमारी लीडरशिप उस आइडियोलॉजी पे उतरी है, या हैव वी फेल्ड टू फॉल इनटू द क्राइटेरिया ऑफ दैट आइडियोलॉजी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा जी कि आजकल हमारी कौम जो है वो चंद सौ डॉलर के लिए बिक जाती है, क्या ये भूल जाते हैं कि सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान की आज तक अंग्रेज इज्जत करता है। फ्रांस में म्यूजियम्स में मैंने उनकी खुद बस देखे हैं, खुद तस्वीरें देखी हैं, यानी कि उनको इज्जत दी गई है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि मीर जाफर और मीर सादक पैसा तो ले गए, लेकिन आज लोग उनको कितनी बुरी निगाह से और कितने बुरे अल्फाज में याद रखते हैं। वो एक कौम को जो एक बच सकती थी उसको 90 साल की गुलामी में धकेल के चले गए, जिस गुलामी से आजादी भी मिली, लेकिन वी हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट फ्रीडम इज। आज भी हम उठ के खड़े होके कहते हैं कि हिंदू हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, अगर हम उनके साथ मैच खेल रहे हैं तो फ्रेंडली मैच है। लेट मी रिमाइंड आवर पीपल द सैक्रिफाइसेस दैट आवर एल्डर पीपल हैड टू पे फॉर द होलोकास्ट ऑफ द ज्यूज इज वन थिंग, वी फॉरगेट टू रिमाइंड पीपल ऑफ द होलोकास्ट ऑफ पंजाब एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया दैट वी हैड टू फेस इन 1947। इफ नेशंस फॉरगेट देयर पास्ट दे डू नॉट हैव एनी फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है, बट इस सवाल का जवाब हम इस ब्रेक के बाद देंगे।